नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल हमने चर्चा शुरू की थी कि शुक्र कन्या राशि में जा चुके हैं और वे किस तरह के परिणाम देंगे सभी राशि वालों को। तो इस पर मैंने कल एक चर्चा शुरू की थी और शुक्र के विषय में बतलाया था और मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों के हाल भी बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम शेष बची राशियों की बात करेंगे। देखिए मित्रों, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अभी तक शत्रु राशि सिंह में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये गोचर करने लगे हैं अपनी नीच राशि कन्या में और वे यहाँ 5 सितंबर 2021 तक रहेंगे। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े ग्रह हैं। ऐशो आराम, भोग विलास, ललित कलाओं और प्रेम से जुड़े ग्रह हैं। अब ये अपनी नीच राशि कन्या में रहकर कमज़ोर पड़ गए। ऊपर से राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी शुक्र पर, तो ये स्थिति शुक्र के शुभ प्रभावों को थोड़ा ख़राब करती है। अब ये सभी राशि वालों को किस तरह के फल प्रदान करेंगे, तो उसमें शेष बची राशियों की बात अब हम शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों के हाल बता दिए थे, आज तुला से लेकर मीन राशि वालों की चर्चा। तुला राशि की बात करें तो 12वें भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है, शनि की ढैया भी चल रही है। भागदौड़ की स्थिति रहेगी, मन वे वजह परेशान रहेगा, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राएं हो सकती हैं, प्रबल योग हैं। आपकी विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कार्य का भार अधिक रहेगा, सफलता के लिए थोड़ा श्रम अधिक करना पड़ेगा। इस गोचर में संबंधों में गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। खान पान का ख्याल रखें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें, प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुरू करें और गाय की सेवा करें। वृश्चिक राशि, लाभ स्थान से शुक्र का गोचर मिश्रित प्रभाव देगा। जहां एक ओर ये आमदनी बढ़ाएगा, आय के स्रोत मजबूत होंगे, तो वहीं माता जी के स्वास्थ्य और बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी ये थोड़ी दिक्कतें बढ़ाएगा। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट संभव है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कोई फंसा हुआ धन मिल सकता है। शिक्षा और संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन संभावित है। जो लोग विदेश यात्रा को प्लान किए थे तो उन्हें सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पर बड़ी बहन को कुछ मीठा खिलाकर दान दक्षिणा दें। धनुराशि, दशम भाव से शुक्र का गोचर कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करेगा। उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रखें। अपने कार्य सावधानी पूर्वक करें, वरना कोई एलिगेशन लग सकता है। इस गोचर में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी पर अति का भरोसा न करें। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि के संबंध में अनुकूलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। शिक्षा और संतान के लिए वक्त ठीक है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। वैसे तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बस गलत फहमी के शिकार होने से बचें। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं शुक्रवार को। मकर राशि, भाग्य भाव से शुक्र का गोचर भोग विलास वासना में वृद्धि करेगा। प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन गलत फहमी के शिकार होने से बचें। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनकी इच्छा पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र के लिए आज से वक्त अच्छा है। कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। हालांकि कार्यभार और व्यस्तता बढ़ेगी। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा और संतान के प्रति चिंता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी तनातनी के योग हैं। धर्म कर्म से जुड़ाव आपको सफलता देगा। चरित्र शुद्ध रखें, वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी मंदिर के बाहर उड़द की दाल की खिचड़ी दान कर दें। कुंभ राशि, अष्टम भाव से गोचर घर कुटुंब में दिक्कतें खड़ी कर सकता है। मकान, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आदि वाद विवादों में आप घिर सकते हैं। खरीदने बेचने में बहुत सावधानी रखें।
किसी की सलाह अवश्य ले लें। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, थोड़ी उलझने तो रहेंगी लेकिन आपके काम भी बनेंगे। शिक्षा और संतान की दृष्टि से और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। सुदूर क्षेत्रों की यात्रा के प्रबल योग हैं। इस गोचर के दौरान हृदय व मधुमेह के रोगी विशेष सतर्कता बना के चलें। आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें, खर्चों पर कंट्रोल रखें। उड़द की दाल की खिचड़ी शनिवार को दान करें। और अंत में बात करेंगे मीन राशि की। सप्तम भाव से शुक्र का गोचर प्रेम संबंधों में सफलता देगा। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, भोग विलास वासना में वृद्धि होगी। शुक्र का गोचर कार्य क्षेत्र के लिहाज से ठीक है, परंतु जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वे थोड़े से सतर्क रहें, गलत फहमी आदि से बचें। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को विशेष लाभ होगा। शिक्षा और संतान के लिए वक्त ठीक है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक ठाक है लेकिन गलत फहमी के शिकार होने से बचें। इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा के भी संकेत मिलते हैं। छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं, किसी निर्धन को उड़द की दाल की खिचड़ी दान करें। मित्रों, ये थे सभी राशियों के हाल और यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम। नमस्कार।